सर सामने देखिए, ठीक है अभी तो सिंह सभी लोग सामने देखो, सन ऑफ मायपाल सामने देखिए, इधर देखो सभी लोग, निखिल कुमार सन ऑफ प्रेम सिंह, क्या नाम है आपका? कीर्ति। कहाँ से आई हैं? इटावा से। क्या आपको पूरा सब प्रकार सम्मान सौरभ ने सम्मानित किया, क्या कहेंगे? सही मेरी अपॉर्चुनिटी है, मैंने पीएचडी क्वालिफाई किया है सीएजीएमयू यूनिवर्सिटी से, तो काफी मुश्किलता तो हुई है क्योंकि हमारे अभी पूरे फैमिली में मेंबर में अभी कोई पीएचडी क्वालिफाइड नहीं है। अगर अभी आपने पढ़ाई कर ली लगातार 5 घंटे 6 घंटे तो आपकी जिंदगी बदल सकती है, दुनिया बदल सकती है, जनरेशन बदल सकती है। इन्हीं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपके जिला कृषि अधिकारी, जिला पौध रक्षा अधिकारी, इस तरह से जिला उद्यान अधिकारी के पदों पे होती है। और इसके बाद में अगर मायसेल्फ अल्पना कुमारी लोधी राजपूत, मैं इटावा से ही हूँ, एक गाँव से। मुझे लक्ष्य एसोसिएशन ने सम्मानित किया है, जो भी बड़े बड़े लोग हैं। मुझे मेनली नीट में, जो नीट 2020 था, उसमें सिक्योरिंग 691 मार्क्स आउट ऑफ 720 उसके लिए, एंड सिक्योरिंग 216 ऑल इंडिया रैंक, उसके लिए मुझे अब सम्मानित किया गया है। और साथ ही साथ मैंने उस नीट से रिलेटेड बच्चों को गाइड किया है, और I've told them कि जो भी उनकी क्वेरीज रिलेटेड टू नीट वो मुझसे पूछ सकते हैं। क्या कहेंगे लक्ष्य टीम के द्वारा? लक्ष्य टीम का ऑर्गेनाइजेशन वॉज वेरी गुड, एंड अदर देन थिंग द मोटो ऑफ दिस एसोसिएशन इज रियली बिग, लाइक आई लाइक द स्पिरिट ऑफ पीपल कि वो सोच रहे हैं कि इस लोधी कम्युनिटी को आगे लेके जाए, एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इवन आई फील कि हाँ मैं जो कर सकती हूँ मैं करूँगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि और किसी भी क्षेत्र में अगर आप किसी और जिले से अगर लक्ष्य के स्वयंसेवक आए हैं तो मंच पर आ जाएं। अगर कोई एलडीएम साहब, जेई साहब सामने इधर देखिए सर, ये दूसरे टीम में बच्चे आएंगे जब हम उनको बुलाएंगे, अभी ये तैयार रहेंगे, केवल अपना नाम सुन लें। ये बच्चे तैयार हैं, इनका नाम हम एक बार फिर से, रंजीना, अमित कुमार, ऋषिराज सिंह और प्रिंस कुमार, इसी के साथ में भिंड की टीम। इसी बीच में हमारे बीच में राज्यपाल पुरस्कार श्री ब्रह्मानंद आय नमः, जोर से बोले श्री ब्रह्मानंद। पूरे देश में, अपने प्रदेश में, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवराज राजपूत है। जो आज लक्ष्य टीम द्वारा आपको सम्मान वगैरह आपको सम्मानित वगैरह किया गया है, क्या कहेंगे लक्ष्य टीम के? देखिए लक्ष्य टीम के लिए जो इसको चला रहे हैं अमरपाल सिंह लोधी, जो दिल्ली के IRS है, और लक्ष्य का मतलब है, लक्ष्य सबका होता है अपना, लेकिन सर ने इसको एक नाम दिया है। लक्ष्य में जुड़ने के बाद इंसान का लक्ष्य पूरा हो सकता है, जैसे कि मान लो किसी बच्चे को पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो सर उसका सहयोग करे, लक्ष्य टीम पूरा सहयोग करती है। और जैसे कि मैं जो काम कर रहा हूँ जगह जगह गाँव गाँव में, गरीब बच्चों के लिए जो प्रतिभाएं होती हैं उनको निखारना और निःशुल्क डांस क्लास देना उनको, ऐसे बच्चों के लिए लक्ष्य काम करता है हमेशा, जिनको जरूरत है हमारी। जी आप कहाँ से आए हैं? मैं आगरा से। कितने बच्चे लेकर आए हैं? मैं 14 बच्चों की टीम लेकर आया हूँ। तो क्या नाम है आपका? हाँ मेरा नाम अमरपाल सिंह है। जो आज सम्मान समारोह किया है, क्या है आप? ये लक्ष्य इटावा के द्वारा आज यहाँ पर 10th और 12th में अच्छे अंक लाने वाले बच्चों का सम्मान समारोह किया गया है। उसके अलावा करियर गाइडेंस का कार्यक्रम भी किया गया है, और उसके अलावा जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन IIT नीट में जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए भी यहाँ पर कार्यक्रम था सम्मानित करने का, और तकरीबन 93 बच्चे यहाँ पर अलग अलग कक्षाओं के सम्मानित हुए हैं जिन्होंने अच्छे अंक हासिल किए। और साथ ही साथ UPSC PSC IIT नीट बैंकिंग अलग अलग क्षेत्रों में बच्चे कैसे करियर बनाएं इसके लिए भी एक्सपर्ट लोगों के द्वारा बच्चों को गाइड किया गया। तो लगभग कहाँ कहाँ से लोग आए?
यहाँ पर जो आज लोग उपस्थित हुए हैं वो इटावा के आसपास जितने जिले हैं, भिंड है, दतिया है, मैनपुरी है, कन्नौज है, फरुखाबाद है, एटा है, फिरोजाबाद है, एटा है, बुलंदशहर है, दिल्ली है, अलीगढ़ है, कानपुर है, इन सभी जिलों के लोग हैं। उसके अलावा जो बच्चे हैं वो इटावा जिले के तमाम जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ के बच्चे हैं जो यहाँ सम्मानित किए गए हैं। आज जिन बच्चों को सम्मानित किया गया उनके लिए एक बेंचमार्क बनाया गया था कि जिन बच्चों के 75% प्लस मार्क्स हैं 10th और 12th में, उससे ऊपर के बच्चों को सम्मानित किया गया है। और किसी बच्चे का IIT में, नीट में अगर सिलेक्शन हुआ है तो उनको सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ विद्या ज्ञान नवोदय स्कूल में अगर बच्चे चयनित हुए हैं तो उनको भी सम्मानित किया गया है।